झूठा प्यार क्या है? झूठा प्यार करने वाला ऐसा कौन सा काम करता है जिससे आपको पता चल जाए कि आप मिनटों में पता लगाओ कि झूठा प्यार होता क्या है? क्या फिर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार कर रहा है या फिर झूठा वादे ही करता है? भाई लोग देखो यार, आजकल आपको सभी को पता होगा, बहुत सारे बंदे जो रिलेशन में रहते हैं, इतने नहीं, बहुत से बंदों की गर्लफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड भी होते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि यार हमारा रिलेशन चल तो रहा है पर मुझे शक होता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्रॉपरली प्यार करता है या फिर ये भी बस मेरे से टाइम पास कर रहा है। भाई मेरे देखो यार, बहुत सी सिचुएशन ऐसी आने लग गई है आजकल बंदों के पास कि वो प्यार तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, ब्रेकअप भी उनके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है और वो किसी और से पेचअप भी कर लेते हैं। फिर उनको पछतावा होता है कि यार मेरा पार्टनर सच्चा था या झूठा था। और इतने नहीं फ्रेंड, बहुत से तो बंदों को ये भी कमेंट होने लग गया आजकल कि भाई मैं अपने प्यार को लॉन्ग टाइम तक टिकना चाहता हूं बट टिक नहीं पा रहा है, कारण क्या है? या मेरा प्यार झूठा है या फिर मेरा प्यार सच्चा है? फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा जिससे आप पता कर लोगे कि भाई झूठा प्यार क्या होता है या फिर झूठे प्यार करने वालों की काम क्या होती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बना, दिल से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो कर देना एक लाइक, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसको हमारी इस वीडियो की जरूरत हो। तो चलिए दोस्तों, बिना को टाइम पास की शुरुआत करते हैं नंबर वन पॉइंट से। फ्रेंड, नंबर वन पॉइंट पर रखा है मैंने सेल्फिश इंसान। अब देखो भाई, इंसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो, लड़का लड़की इस वीडियो को दोनों देख सकते हो। अगर आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप किसी लड़के से बात करते हो, लड़की से बात करते हो, सपोज़ कर लो कि आप एक लड़की हो, लड़की होने के बाद आप अगर किसी भी लड़के से बात कर रहे हो या फिर आप कहीं भी जाते हो घूमने के लिए, इतना नहीं अगर अपने पार्टनर से आप कोई चीज़ राय भी लेते हो कि क्या मैं वहाँ चला जाऊँ, तो मैं उतना कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, बेफालतू में भेज देता है, फिर बेफालतू में कहता है ठीक है जाओ, और उससे कोई मतलब ही नहीं। फ्रेंड, अगर आप बहुत देर तक किसी से बात करते हो, इतना ही नहीं अगर आपको फोन बिजी भी जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको कुछ ऐसा राय नहीं देता जिससे आपको लगे ऐसा कि भाई मेरे प्यार में भाई क्या शक आ रही है या फिर कहा जाए तो मेरा प्यार क्या मुझ पर इतना भी यकीन नहीं कर रहा है कि मुझसे कोई बातें पूछ सके। और तो और अगर आप भी अगर उसे फोन करते हो दैन उसके बाद वो कहता है आपको नहीं यार कुछ नहीं बस बिजी था, बोलो क्या हुआ, या फिर कहा जाए तो जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वो अपनी बातों के दौरान उस बात को टाल देता है, आपसे कोई बातें ऐसी करने लगे जिससे आप बातों में जुड़ जाओ, उसके बाद आप वो बातें भूल जाते हो। तो भाई मेरे ये कौन सा प्यार हुआ? भाई देखो, प्यार तो वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत जेलस भी हो, थोड़ी बहुत शक भी हो और थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो, थोड़ा बहुत से ज़्यादा प्यार भी हो। बट अगर आपका पार्टनर ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है आपके प्यार में कुछ थोड़ी सी दरार आ रही है। भाई देखो, झूठे प्यार करने वालों की निशानियां होती है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है जब आप भाई आप क्या कर रहे हो। तो एक बात बताओ मेरे को, जब आपको मतलब ही नहीं था उससे तो रिलेशन में आए क्यों? आप ऐसे उसके प्यार को पाने के लिए इतनी बेचैन थे, जब आपको मिल गई उसके बाद आपने उसके प्यार की वैल्यू क्यों नहीं किया? तो यार ये भी तो एक तरह से झूठा ही प्यार हुआ ना कि अपने पार्टनर पे आप अगर, अब भाई देख कुछ बंदे कहेंगे मुझे कि भाई तुम तो कहते हो कि अपने प्यार पे शक नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, एक गुंजाइश की थी मैंने, एक जगह जरिया कहा था कि आप शक मत करिए, आपका प्यार खराब होता है। बट अगर आपको लग रहा है ऐसा तो कुछ अब बात बात पर अगर उसे पूछते रहोगे ना तो उस लड़की को लगेगा कि हाँ बंदा मेरा अपना है, हाँ भाई ये बंदा मेरे पे ट्रस्ट करता है, तैन उसको कुछ भी बातें होती है तो ये मुझसे पूछना सबसे ज़्यादा पहले पस करता है, ये नहीं कि अपने दोस्तों के बीच में पता करता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप जाहिर कर पाओगे ना कि आपका प्यार सच्चा है। पर भाई मेरे, अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं हो रही है तो किस तरह से कहा जाए फ्रेंड कि आपका प्यार सच्चा है? जी हाँ फ्रेंड, ये कोई सच्चा प्यार नहीं होता है। तो यार अपने पार्टनर पर जितना शक कर सकते हो उससे लिमिट में करो, पर अगर शक करने वाली गुंजाइश हो तब करो, ये नहीं है कि बेफालतू में आप उसको शक करते रहो। तो फ्रेंड, ये था पॉइंट नंबर वन। आप बात करेंगे हम पॉइंट नंबर टू की। फ्रेंड, हम बात करेंगे नॉट इम्पॉर्टेंट दिस इन द लाइफ। अब फ्रेंड देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसे कितना भी लाइफ में अपने इंपॉर्टेंट देते हैं, कितना भी आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बट बदले में उसने आपको कुछ नहीं दिया। आपको भाई इतना आप उसे प्यार देते हो, कहीं भी घूमने जाओ तो आप अगर उसे फ़ोन करते हो, इतना नहीं आप उससे बात बात पूछते रहते हो कि खाना खाई या फिर नहीं खाई, कहाँ पर हो। एक दिन में आपको मैक्सिमम नहीं भी दोनों 10-20 बार उसको आपको बात करनी है। आप अगर वो ज़्यादा बिजी रहती है, ज़्यादा वो कॉलिंग वॉलिंग करती रहती है तो फिर भी आपको चाहते हो कि एक बार तो उसकी आवाज़ सुन लूँ। तो भाई ऐसे पार्टनर ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो आपके बिना रह नहीं सकता, वो आपसे दूर नहीं रह सकता है। बट भाई अगर आपके उस पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कॉल नहीं कर रहा है, तो भाई इसका मतलब क्या है? क्योंकि फ्रेंड, अगर आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हो ना तो आपका पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 दिन झेल सकता है, 1 हफ्ते झेल सकता है, पर जैसे अगला दिन स्टार्ट होगा ना वो आपको नहीं बोल पाएगा, वो आपको सीधा मना कर देगा कि या तो तुम यार तो इससे बात कर लो या तो आप मुझसे ही बात कर लो। अब भाई देखो, ये लड़का लड़की दोनों बोल सकता है, तो भाई डिपेंड करता है ना कि किसका प्यार सच्चा और किसका प्यार झूठा है।
भाई प्यार में तो वो होता है ना कि अगर अगर आप गलत कर रहे हो तो सामने वाला आके आपको समझाए कि आप भाई गलत कर रहे हो, बट अगर आप समझना ही नहीं चाह रहे, आप उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहे, तो एक बात बताइए यार कि वो आपसे क्यों मतलब रखिएगा। और आगे चल के आपकी रिलेशन तो ख़राब होनी है ना भाई, क्योंकि आप एक दूसरे पर तो ध्यान रखते नहीं हो, आप एक दूसरे को फ्रीडम दे रखे हो। तो भाई मेरे एक बात बताओ, गाय को जितना दूर तक अगर छोड़ दोगे ना तो वो ये मत सोचना कि रस्सी अगर छोड़ दियो तो वापस भी आ जाइए, वो बिल्कुल नहीं आने वाली है। उसे एक बात पता है कि मैं जितना घूमती रहूँगी उतना मुझे हरे हरे घास मिलेंगे और उतना मैं चबाती जाऊँगी, तो वापस आने का क्या फ़ायदा है। बस यही है ना कि एक छत नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इतना खुला मैदान है, कहीं भी किसी पेड़ के नीचे मैं बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड ये एग्जाम्पल होता है, ये तरीका होता है। तो भाई इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपका पार्टनर सच्चा है या झूठा है। तीसरी चीज़, कभी आपके सामने वो खुलकर नहीं आएगा। अब भाई मेरे अगर आप उसे कुछ भी पूछते हो तो वो आपको ज़्यादा बताना नहीं ज़रूरी समझता है। और इतना ही नहीं, अगर आप उसके किसी लाइफ के बारे में पूछते हो, जैसे बहुत से बंदे बात करते हैं ना कि आप कैसे हो, ठीक हो, घर पे कैसे हैं, सब लोग ठीक है, ये वे, मम्मी कैसी, पापा कैसी है, हाँ, तो बस वो इतना इतना बता देगा। पर अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाने लग जाओ तो वो आपको जाने नहीं देता है। अगर आप उससे कभी फ़ोन मांग लो छेड़ने के लिए भी या कुछ बात करेंगे, वो आपको उतना अपना फ़ोन भी नहीं छूने नहीं देगा। अगर आप उसके दोस्तों के बारे में जानकारी लेना चाहोगे तो वो आपको वो भी नहीं लेने देगा। अगर आप किसी भी उसके दोस्त से बात कर रहे हो तो वो अपने दोस्त को डांट देगा या तो वो आपको डांट देगा कि नहीं आपको बात नहीं करनी है। तो भाई मेरे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में वो आए, आप ये नहीं चाहते कि फ्यूचर तक में आपका प्लान हो जाए उसके साथ रहना। तो फ्रेंड ये सारे टिप होते हैं, ये सारे काम करते हैं, झूठा प्यार करने वाला आपके साथ कभी नहीं करेगा, और अगर कर रहा है तो भाई आपका प्यार झूठा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, भाई वीडियो में बहुत मेहनत पड़ता है, इसलिए प्लीज एक लाइक कर देगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिए। और प्लीज़ यार इस बार अगर आपके अंदर हिम्मत भी होना थोड़ी सी तो इस वीडियो को शेयर करिए भाई, कि लोगों का प्यार बच सके, ब्रेकअप होने से बच सके, उन दोनों का प्यार दूर ना हो। तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करिएगा। आपने इस वीडियो को इतना देर तक वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगली बार प्यार इसी वीडियो के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।